दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में जाने के लिए रोहित शर्मा ने घोषित किया भारतीय टीम का खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11। इन 11 धाकर खिलाड़ियों को टीम में मिला खेलने का मौका, जिसको देखकर डरी पूरी इंग्लैंड की टीम। तो दोस्तों, क्या होगी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11, और भारत और इंग्लैंड के बीच ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा, बताएंगे सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। लेकिन उससे पहले, आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप 2023 को जीते, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम काफी खतरनाक प्रदर्शन कर रही है, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक भारतीय टीम को कोई भी टीम हरा नहीं सकी है। भारत ने 5 मुकाबले खेलकर 5 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। दोस्तों, सबसे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुरी तरह हराया था, और अब हाल ही में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को हरा कर आ रही है, जिसकी वजह से भारत के पॉइंट टेबल पर 10 अंक हो चुके हैं और भारत पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, जहां पर उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए थे, और जवाब में भारतीय टीम ने 48वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को बड़े आसानी से हासिल कर लिया था, जहां विराट कोहली ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ा दिए थे। वहीं दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद अब हमारी भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली है, और अगर दोस्तों आने वाले मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड को हरा देती है तो फिर भारतीय टीम को सीधा सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। इसलिए भारतीय टीम चाहेगी कि इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का करे। और वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच ये महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं क्या रहने वाली इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11, भारतीय टीम में कौन से दो बड़े बदलाव होंगे और भारतीय टीम कौन सी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप 2023 में काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और सिर्फ पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 पर आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बाकी सभी टीमों के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा अभी तक इस वर्ल्ड कप 2023 में 300 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें इन्होंने एक अर्धशतक और एक शानदार शतक भी जड़ा है। और वैसे भी दोस्तों, रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में खूब रन बनाते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाए थे, जिसमें इन्होंने 5 चौके और 4 छक्के भी जड़े थे। तो ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा से इसी प्रकार की पारी की उम्मीद होगी। और वही दोस्तों, शुभमन गिल की बात करें तो हम सब जानते हैं शुभमन गिल भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है, जो की अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के परकच्चे उड़ा कर रख देते हैं। और अभी शुभमन गिल काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और साल 2023 में शुभमन गिल का बल्ला आग उगल रहा है। और दोस्तों, शुभमन गिल इस साल में गजब की फॉर्म में है। हालांकि दोस्तों, शुभमन गिल डेंगू के कारण वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन वो अब पूरी तरह से फिट है। दोस्तों, शुभमन गिल वर्ल्ड कप 2023 में भी काफी शानदार फॉर्म में है, और बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल शानदार और शतक भी जड़ चुके हैं। दोस्तों, गिल ने इस मुकाबला में 53 रन बनाए थे, जिसमें इन्होंने 5 चौके और 2 शानदार छक्के भी जड़े थे। तो ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम चाहेगी कि शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छी पारी खेले और भारतीय टीम को जीत दिलाए। जबकि दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे नंबर की बात करें तो एक बार फिर हमें किंग कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, विराट कोहली अभी वर्ल्ड कप 2023 में काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों, विराट कोहली लगातार शतक और अर्धशतक जड़ रहे हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 3 अर्धशतक और एक शानदार शतक भी जड़ चुके हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 85 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी, और वही बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक बनाया था। दोस्तों, विराट कोहली ने इस मुकाबला में 103 रनों की पारी खेली थी, जिसमें इन्होंने 6 चौके और शानदार 4 छक्के भी जड़े थे। जबकि दोस्तों, विराट कोहली ने पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए थे और भारतीय टीम को इस मुकाबला में जीत दिलाया था। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं। तो ऐसे में दोस्तों, विराट कोहली से यही उम्मीद होगी कि वो एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक बनाए और भारतीय टीम को मैच जिताए। और वहीं दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने इस बार भी श्रेयस अय्यर को मौका दिया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि श्रेयस अय्यर मिडल ऑर्डर के एक जबरदस्त बल्लेबाज हैं, और वो नंबर 4 पर टीम इंडिया के लिए खूब रन बनाते हैं। और श्रेयस अय्यर भी इस वर्ल्ड कप में काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जहां जहां पर इनको मौका मिलता है वो लगातार रन बनाते हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर तीसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 53 रनों की पारी खेली थी, और वहीं भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए थे और मात्र 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 35 रनों की पारी खेली थी। और दोस्तों, भारतीय टीम चाहेगी कि श्रेयस अय्यर इसी प्रकार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मैच जिताए। जबकि दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें नंबर की बात करें तो
पांचवें नंबर पर फिर एक बार विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों केएल राहुल भी इस वर्ल्ड कप 2023 में काफी खतरनाक फॉर्म में है। दोस्तों केएल राहुल अपने बल्लेबाजी और अपने विकेट कीपिंग से भी भारतीय टीम को काफी ज्यादा मदद करते हैं। दोस्तों केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, जहां पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 रन की नाबाद पारी खेली थी और भारतीय टीम को इस मुकाबला में जीत दिलाया था। इसलिए भारतीय टीम चाहेगी कि केएल राहुल अच्छी प्रदर्शन करके भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ मैच जितवाए। और वहीं दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ छठवें नंबर की बात करें तो छठवें नंबर पर एक बार फिर हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलते हुए चोट लग गई थी, जिसके कारण वो दो मैचों के लिए बाहर हो गए थे और उनको रेस्ट दे दिया गया था, जिसके कारण सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका मिला है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक विस्फोटक बल्लेबाज है। सूर्य कुमार यादव मैदान के हर कोना में रन बनाते हैं, जिसके चलते इनको 360 प्लेयर कहा जाता है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को पिछले मुकाबले में खेलने का मौका मिला था, जिसमें वो कुछ खास नहीं कर पाए थे और मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम चाहेगी कि इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी करे। जबकि दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 7वें नंबर पर एक बार फिर रविंद्र जडेजा को मौका दिया है। दोस्तों रविंद्र जडेजा भी इस वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा शानदार फॉर्म में है। रविंद्र जडेजा लगातार बॉल और बैट दोनों से भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर रविंद्र जडेजा अपनी बॉलिंग से भारतीय टीम के लिए लगातार विकेट चटका रहे हैं और वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था और वहीं फिर बल्लेबाजी करते हुए शानदार 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। तो ऐसे में दोस्तों रविंद्र जडेजा से यही उम्मीद होगी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करे। और वहीं दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को खेलने का मौका मिला है। दोस्तों मोहम्मद शमी एक खतरनाक तेज गेंदबाज है, जो कि नई और पुरानी दोनों बॉल से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। और दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किया था और भारतीय टीम को इस मुकाबला में जीत दिलाई थी। और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबला में मोहम्मद शमी चाहेंगे कि वो अच्छी गेंदबाजी करे। जबकि दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ 9वें नंबर की बात करें तो एक बार फिर हमें कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों कुलदीप यादव कितने खतरनाक गेंदबाज है वो आपने वर्ल्ड कप के तीनों मैच में देख लिया होगा। दोस्तों कुलदीप यादव वर्ल्ड कप 2023 में काफी ज्यादा शानदार फॉर्म में है और वो लगातार भारतीय टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दोस्तों कुलदीप यादव ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 10 विकेट चटका चुके हैं और दोस्तों पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट चटकाया था। हालांकि दोस्तों कुलदीप यादव इस मुकाबला में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, लेकिन दोस्तों हम सभी चाहेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और वहीं दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ 10वें नंबर की बात करें तो भारतीय टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी इस वर्ल्ड कप 2023 में काफी शानदार फॉर्म में है और जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए लगातार सभी मैचों में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह सभी टीमों के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बुमराह ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 11 विकेट चटका चुके हैं और वर्ल्ड कप 2023 के सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। और दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में बुमराह ने एक बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था। तो ऐसे में दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम चाहेगी कि जसप्रीत बुमराह ऐसी गेंदबाजी करे। जबकि दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ 11वें नंबर की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों मोहम्मद सिराज बहुत कम समय में भारतीय टीम के एक प्रमुख गेंदबाज बन चुके हैं और ये पिछले कुछ टाइम से भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था और अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को काफी ज्यादा परेशान भी किया था। और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज चाहेंगे कि वो अच्छी गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबला में जीत दिलाए। तो दोस्तों ये था भारतीय टीम का खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11, जो कि आपको इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और वर्ल्ड कप 2023 को कौन सी टीम जीतेगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।